नमस्कार दोस्तों, एम्पियन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। इसे पेश किए हुए लगभग 4 हफ्ते का समय हो गया है। देखते हैं कि आप इसमें से कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं। इसमें हम लोग 30 MCQs को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हल करेंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों का डिस्क्रिप्शन आपको PDF के साथ मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जीवन और आजीविका की सुरक्षा, सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का आर्थिक सुधार होगा? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021, इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू हैव व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वी आकार सुधार, वी शेप्ड रिकवरी। निम्नलिखित में से किसे 2020-21 के स्प्रिंट रनर के रूप में माना जाता है, जिसने भारत को महामारी के विघटनकारी प्रभावों से निपटने में सक्षम बनाया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द स्प्रिंट रनर ऑफ 2021 दैट इनेबल इंडिया टू टाइड ओवर द डिसरप्टिव इफेक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल प्रौद्योगिकी, डिजिटल टेक्नोलॉजी। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत के कितने करोड़ नागरिकों का संदर्भ है? इकोनॉमिक सर्वे हैज रेफरेंस ऑफ हाउ मेनी करोड़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 137 करोड़ इंडियंस। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसका फुल डिस्क्रिप्शन आपको PDF के साथ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि PDF आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों, एम्पियन अकेडमी ने 67वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कर ली है। आप जैसा कि जानते हैं, 66वीं BPSC में एम्पियन अकेडमी के करंट अफेयर्स PDF की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही थी। 36 प्रश्न उस करंट अफेयर्स PDF से पूछे गए थे। इसमें से वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए थे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स से 7 प्रश्न और बिहार करंट अफेयर्स PDF से 10 प्रश्न। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न 66वीं BPSC प्रीलिम्स में एम्पियन अकेडमी करंट अफेयर्स PDF से आए थे। तो उसी प्रकार की तैयारी हमने 67वीं BPSC के लिए की हुई है। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार शाम को 6 बजे प्रसारित होती है। उसके अलावे बिहार करंट अफेयर्स मंथली वीडियो आपको मिलती है। इसकी PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी और साथ साथ में मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, जिसकी वीडियो नहीं जारी होती है, PDF के रूप में मिलता है। इस प्रकार से कुल 50 PDF आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के मिलेंगे, जिसमें 12 महीने के लिए 48 वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज हो गए, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक यूनियन बजट का होगा। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स में 14 PDF मिलेंगे, 12 महीने का बिहार मंथली करंट अफेयर्स PDF और साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का, और मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स आपको 12 PDF 12 महीने का मिलेगा। दोस्तों, इसके लिए बहुत ही मामूली शुल्क रखी गई है, जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। एक ही बार आपको पे करना है ₹600 और आपको संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स का ये बहुप्रतीक्षित PDF BPSC प्रीलिम्स के लिए मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, बैंकिंग डिटेल देखिए यहाँ पर दी गई है। प्रियंका कुमारी के नाम से बैंक अकाउंट है, आई इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा प्रियंका में। IFSC कोड, अकाउंट नंबर भी दिया गया है। साथ साथ में यदि आप पेटीएम, फोनपे, UPI या गूगल पे के थ्रू से पे करना चाहें तो एक ही नंबर है, 7366005556। आपको बस ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को, टेलीग्राम नंबर सेम ही है 7366005556 पे भेज देना है। आपको एक पैड टेलीग्राम ग्रुप एम्पियन अकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको PDF मिलना शुरू हो जाएगा। संदर्भ, आप दी प्राण रक्षा ही धर्मस्व प्रथमांकुर कहाँ से लिया गया है? रिफरेंस, सेविंग अ लाइफ दैट इज इन जियोपार्डी इज द ओरिजन ऑफ धर्म इज टेकन फ्रॉम, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाभारत से। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ऋण अस्थिरता प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021, व्हाट इज द बेस्ट वे टू अचीव डेट स्टेबिलिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
यानी विकास इसका सबसे अच्छा उपाय। कोरोना मामलों के प्रसार को रोकने और लोगों की जान बचाने में किस राज्य का प्रदर्शन सबसे खराब रहा? विच स्टेट हैज अंडर परफॉर्म द मोस्ट इन रिस्ट्रिक्टिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना केसेस एंड इन सेविंग लाइव्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित GDP विकास दर क्या है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, -7.7%। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित GDP विकास दर क्या है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 11%। विश्व की विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग के बारे में क्या टिप्पणी की गई है? व्हाट कमेंट हैज बीन मेड अबाउट सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स ऑफ इंडिया डन बाय वेरियस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत को निवेश ग्रेड के सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। 15 जनवरी 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा? व्हाट इज इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स एज ऑफ January 15, 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 58,424 करोड़ रुपये, यानी इसको डॉलर में करें तो 584.24 बिलियन USD। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना नहीं लागू करने के कारण किस राज्य में स्वास्थ्य बीमा अपनाने वाले घरों में 2015-16 से लेकर 2019-20 तक 12% तक की कमी दर्ज की गई है? इन विच स्टेट द हाउस होल्ड अडॉप्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस हैव रजिस्टर्ड अ डिक्रीज ऑफ 12% फ्रॉम 15-16 to 19-20 ड्यू टू नॉट इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। सरकारी खर्च में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र पर वृद्धि यानी GDP के 1% से बढ़ा के यदि 2.5 से लेके 3% कर दिया जाए तो लोगों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पर किया जाने वाला खर्च 65% से घटकर कितना प्रतिशत हो जाएगा? एन इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंड फ्रॉम 1% to 2.5% or 3% ऑफ GDP इन हेल्थ केयर, इट विल लीड टू डिक्रीज ऑफ द आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर फ्रॉम 65% to what% ऑफ ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेंड इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा 35%। निम्नलिखित में से किसने भारत में संस्थागत प्रसव के साथ साथ प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल के लिए गरिमाओं की पहुंच के रूप में असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन मिटिगेटिंग इनइक्वलिटी एज द एक्सेस ऑफ द पोरेस्ट टू प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। बुनियादी आवश्यकता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, और ये पहली बार इस बार जारी किया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 48 रैंक है। इसकी चर्चा इकोनॉमिक सर्वे में की गई है। दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ, सारे प्रश्नों का फुल डिस्क्रिप्शन के साथ व्याख्या आपको PDF में मिलेगा। इसकी जानकारी आपको दे ही दी गई है, साथ में इसके बारे में सूचना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की जा रही। भारत पिछले बजट में घोषित 2.1 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के खिलाफ विनिवेश की कितनी राशि जुटा पाई है? इंडिया हैज अचीव व्हाट अमाउंट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट टारगेट ऑफ 2.1 लाख करोड़ रुपीज एज अनाउंस इन द लास्ट बजट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मात्र 15,220 करोड़। निर्यात में अपने प्रदर्शन के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में किस देश की प्रशंसा की गई है? विच कंट्री हैज बीन प्राइज्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे फॉर इट्स परफॉर्मेंस इन एक्सपोर्ट? वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? विच सेक्टर परफॉर्म्ड बेस्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान चालू खाता अधिशेष क्या रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड करंट अकाउंट सरप्लस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार को किस प्रकार की आर्थिक नीति अपनानी चाहिए? व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट एज पर इकोनॉमिक सर्वे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रतिचक्रीय या काउंटर साइक्लिकल। ग्रामीण भारत में सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित ऐसे बच्चों की संख्या जिनके पास स्मार्टफोन है 2018 में 36.5% थी, जिसकी तुलना में 2020 में कितनी हो गई है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स इन रूरल इंडिया हु हैव ए स्मार्टफोन वाज 36.5% इन 2018
कंपेयर टू दिस इट इज हाउ मच इन द ईयर 2020. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 61.8. किस महीने में कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI प्रवाह ने 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सर्वाधिक मासिक उच्च स्तर दर्ज किया. नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI इनफ्लोज रिकॉर्डेड एन ऑल टाइम मंथली हाई ऑफ US 9.8 बिलियन डॉलर इन विच मंथ. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नवंबर 2020. दिसंबर 2020 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितने महीनों के लिए आयात के लिए पर्याप्त है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया इन दिसंबर 2020 इज इनफ फॉर इम्पोर्ट्स फॉर हाउ मेनी मंथ्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 18 महीने के लिए पर्याप्त है. भारत कितने दिनों में सबसे तेजी से 10 लाख टीके लगाने वाला देश बन गया है. इंडिया हैज़ बिकम द फास्टेस्ट कंट्री टू रीच 1 मिलियन COVID-19 वैक्सीनेशन इन हाउ मेनी डेज. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 6 दिनों में. कौन सी योजना भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का सक्रिय हिस्सा बनाने में मदद करेगी. विच स्कीम विल हेल्प इंडिया टू बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए PLI योजना PLI स्कीम. भारत का वर्तमान बाजार कैप GDP अनुपात क्या है. व्हाट इज इंडियाज करेंट मार्केट कैप टू GDP रेशियो. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ये 100% से भी ज़्यादा हो गया है. मोर देन 100. भारत का प्रति व्यक्ति GNI 2017 PPP डॉलर के हिसाब से 2018 के 6427 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2019 में कितना हो गया. इंडिया GNI पर कैपिटा 2007 बेस PPP डॉलर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम US 6427 डॉलर इन 2018 टू हाउ मच इन 2019. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 6681 US डॉलर. सदी में आने वाली एक बार की महामारी के बीच भारत द्वारा अपनाई गई रणनीतिक नीति में एक अद्वितीय यानी सुई जेनिस मामला क्या रहा. व्हाट इज अ सुई जेनेसिस केस इन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग बाय इंडिया अमिस्ट ए वंस इन ए सेंचुरी पेंडेमिक. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी संक्रमण के दूसरी लहर से बचते हुए अर्थव्यवस्था में तेजी. अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में उल्लिखित 4 स्तंभ रणनीति में नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग 4 पिलर स्ट्रेटजी एडॉप्टेड बाई इंडिया एज मैंसनड इन द इकोनॉमिक सर्वे 2021. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन नहीं है, इसके जगह पे 4th नीति है कंटेनमेंट यानी नियंत्रण. काइंडली राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन.